सर, थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल रेंडिशन। यहाँ पे मनीष भाई अभी बचा के रखे थे, कम ऑन रुकना नहीं है, यू डू दी ऑनर्स। रंग दिया है आपको? हाँ सर आ गया वहां। अनुपम सर इज देयर आई थिंक। जी जी क्या नहीं सर कुछ कर रहे हैं, ही विल बी हियर। हाँ जो वो कर दें करें करो ना होली के दिन। एक तो यार मार्च में आई एक आवाज। नहीं यार ये गलत बात है, गलत बात है। नहीं हमारी मनीष भाई वाइज नताशा सो सुखा सुखा। मनीष हम चाहेंगे होली के दिन पर एक खास होली का गाना आप हमें गाकर सुनाए। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। अनु सर ज्वाइन करना पड़ेगा। हाँ गिले शिकवे भूल के दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। जी एक होली का कोई क्लासिक वाला कोई ऐसा हो जो मतलब पानी दे देना ठसका नहीं आ जाए। आज ना छोड़ेंगे अनु जी को, वही कह रहा हूँ, वो तो हो चुका है जब तक आप पानी पी रहे हैं। देखिए दोस्तों एक होली स्पेशल हो जाए लेकिन साथ साथ भूलिएगा मत बाबा ब्लैक शीप, मेन तो वही है पानी। सर का वाइन ही दिला दो फिर से। अरे इससे पहले अनु जी कुछ गाए मैं चाहूंगा कि एक गाना जो हम सबकी फेवरेट श्रीदेवी जी जो आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन लेजेंड नेवर डाई वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, तो एक गाना मैं चाहूंगा उनके लिए हम ट्रिब्यूट करें। सो रंग का ही माहौल है। रंग भरे बादल में तेरे नैनों के काजल से, अरे रंग भरे बादल से तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी मेरी चांदनी। ओए चांदनी तू मेरी चांदनी। थैंक यू सो मच। देखिए सर और कौनो महीनवा में बरसे न बरसे न बरसे न बरसे। अरे और कौनो महीनवा महीनवा महीनवा, अरे और कौनो महीनवा में बरसे न बरसे नंबर से नंबर से। ए फगुनवा में अंग अंग रस बरसे, 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 फगुनवा में अंग अंग रस बरसे। होली की बहार आई फरहत की खिली कलियां, होली की बहार आई फरहत की खिली कलियां, बाजों की सदाओं से कूचे भरे और गलियां, दिल भर से कहा हमने तुक छोड़ ये रलबलिया, होली में यही धूमे लगती है बहुत भलिया, फगुनवा में अंग अंग रस बरसे। फगुनवा में अंग अंग रस बरसे, बहुत पुराना यूपी का गाना है। और क्या बात है, देखिए ओरिजिनल चीज जो होती है। हमारा देश इतना विशाल है इसमें सारी चीजों का समावेश हो जाता है।
रोल सर रोलिंग रोल हमारा पूरा लाइट आ रहा है। सो सर ट्रेलर देखा और सॉन्ग भी देखा, काफी अमेजिंग है, काफी लोगों को पसंद आया, लेकिन जो अनु कपूर और आपकी जो जोड़ी थी ऊपर वो काफी अमेजिंग थी और ऑन लोकेशन सेट पे हमको लगता है वही माहौल बना रहा होगा। मैंने बहुत फिल्में की हैं अनु के साथ, हम और ये और बहुत सारी फिल्में की हैं। अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक साल आगे पीछे का फ़र्क था, तो थिएटर में और ट्रेनिंग के दौरान इतने साल काम किया है तो ऐसा कुछ हमें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होती, जो भी है वो रियल है। इस बात का पूरा यकीन होता है कि हम कुछ भी बोलेंगे सामने वाले को बुरा नहीं लगने वाला। तो जब दोस्ती में कॉन्फिडेंस होता है, एक टैलेंट में कॉन्फिडेंस होता है, तो आदमी इस तरह की नोकझोंक कर सकता है। और अनु इज़ अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, जब भी उनको मिलता हूँ कुछ रिश्ते टेप रिकॉर्डर के पॉज के बटन की तरह होते हैं, उनको जहाँ से दबा दो वहीं से शुरू होते हैं जहाँ आपने पॉज लगाया होता है। सो सिमिलरली अनु कपूर के साथ और बाबा ब्लैकशिप में हमने क्लाइमैक्स साथ में किया है, बाकी मेरे साथ ज़्यादा सीन नहीं थे, बट वेन एवर वी मीट वी हैव इस तरह की हमारी आपस में बातचीत होती है। लंबा टाइम ले लिया ट्रेलर आने में बाबा ब्लैकशिप। देखो इस तरह की पिक्चर को बहुत ज़रूरी है एक बायर का मिलना, ऑडियंस तक पहुंचाना, और आजकल ये भी है कि कंटेंट अच्छा हो तो टाइम भी लगे तब भी अच्छा रहता है। जैसे वेडनेसडे को 3 साल लगे थे रिलीज होने में, घोसला के घोसला को 3 साल लगे थे, बट वंस इट केम देन इट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो मेरे ख्याल से अब 23 मार्च को बाबा ब्लैकशिप रिलीज़ हो रही है, फ़नी है, फ्रेश है, मज़ा आया मुझे काम करने में। विश्वास मेरे ऑफिस में काम करता था, उसका प्रोग्रेस उसका ग्राफ देखकर मुझे और भी प्रसन्नता होती है और प्राउड फील होता हूँ करता हूँ, तो इट्स वेरी गुड। आपने पिक्चर में ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें की हैं जो पहले नहीं की हैं। कभी नहीं। हाँ। मैंने इसमें मुझे एक ऐसा मौका चाहिए था जिसमें मैं कुछ नॉट एक्शन एक्शन बट एक फुर्तीले इंसान का और एक ढीले इंसान का मैं काम करूं, और ये जब मुझे सुनाने आया था तो मैंने इसको कहा कि मुझे तो कुछ थोड़ा टाइम दे, आई वुड लाइक टू लूज़ वेट। तो 14-15 किलो मैंने उसमें वेट लूज़ किया, क्योंकि उसके सीक्वेंसेस ऐसे थे कि वो हस्बैंड भी है जो स्वेटर बुनता रहता है और एक्चुअल में वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है। तो आई थिंक कुछ समय के बाद अपने आप को एज एन एक्टर री इन्वेंट करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो दिस इज़ वन फिल्म विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, बोथ द रोल्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। जी 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 जी, वो एक चेस सीक्वेंस है जिसमें वो वेश बदल के आता है। चार्ली चैपलिन का मैंने कुछ बहुत ज़्यादा सीक्वेंस नहीं किया क्योंकि दौड़ना था सिर्फ, बट एक दो जगह मैंने किया है। आई एम ग्रेट फैन ऑफ चार्ली चैपलिन, मेरे स्कूल में एक्टर प्रिपेयर्स में एक पूरी वॉल जो है वो चार्ली चैपलिन को डेडिकेटेड है, एंड हम अगर उसका 1000वां अंश भी बुरी तरीके से भी करें तब भी सिर्फ मूछ लगानी है तो उसमें अपने आप में कामयाबी हासिल होती है। आई वांट टू नो कि जब भी कुछ ऐसी बात होती है, देश की बात होती है या कुछ भी, तो बॉलीवुड सेलिब्रिटी हमेशा ट्वीट करते हैं और आप तो हमेशा सच के लिए खड़े होते हैं, व्हाट इज हैपनिंग इन सीक्रेट वर्ल्ड आर टोटली साइलेंट। आई थिंक एट अ म्यूजिक रिलीज ऑफ अ फिल्म टू टॉक अबाउट दिस सच अ सीरियस सब्जेक्ट इज नॉट अ वेरी फेयर थिंग, बिकॉज दो अलग अलग बिल्कुल पहलू हैं जिंदगी के, तो उस पर बात करना मुझे लगता है कि टॉपिक पर बात करना ठीक नहीं है, बट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट सम अदर टाइम, नॉट व्हेन आई एम हियर टू सेलिब्रेट द म्यूजिक ऑफ द फिल्म। यू आल्सो कमिंग विद द हॉलीवुड प्रोजेक्ट, कैन यू टेल अस समथिंग? मैं हॉलीवुड प्रोजेक्ट के बारे में अभी मैं कम बोलना चाहता हूँ, बिकॉज जब वो होगा, येस आई एम गोइंग टू लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर ए मोटिवेशनल लेक्चर 3 तारीख को, वह है वो बड़ी मेरे लिए हमेशा, जो जिसके ज़िंदगी में कभी 38% से ज़्यादा मार्क्स ही नहीं आए पहली क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक, जब मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या ड्रामा स्कूल ज्वाइन किया तब डिफरेंट हुआ, उसके लिए टू बी इनवाइटेड एज अ कीनोट स्पीकर एट लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। थैंक यू सो मच एंड विश ऑल द बेस्ट। रोल ओके रेडी रोल 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 सो सॉन्ग इज रियली लुकिंग वेरी अमेजिंग, बहुत ही अच्छा हमने देखा कि आप साइलेंस लड़की के पीछे और अनुपम को आगे लेके जा रहे हैं। यार यही है अनुपम सर का गेम, इसमें यही चलाया है उन्होंने और मेरे फादर प्ले कर रहे हैं और हर जगह वो आगे ही हैं मुझसे, ऑब्वियसली फादर हमेशा ही बेटे से आगे होता है, बट आई थिंक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है विद अ वंडरफुल स्टार कास्ट विद मंजरी बीइंग माय लीड लेडी इन द फिल्म, सो आई थिंक बहुत बहुत मजा आया। सो हाउ इज द ओवरऑल एक्सपीरियंस वर्किंग विद अनुपम? बहुत ही मजा आया मुझे इस फिल्म में, मतलब पूरी टीम इतनी
लाइक हंसते खेलते काम हुआ, पता ही नहीं चला कब फिल्म शुरू के ख़त्म भी हो गई. पूरी मस्ती चल रही थी इन गोवा एंड मनीष इज सुपर फनी, ही सो एंटरटेनिंग. सो मनीष एंड विश्वास पुट टुगेदर मैड टीम एंड अनुपम जी एंड अनु जी, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे. आई मीन लाइक यू नो दे आर लिटरली इंस्टीट्यूशंस इन देमसेल्व्स. सो आई फील वेरी लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. तो पावर फ्लैक्सिंग के स्टार कास्ट ने होली तो सेलिब्रेट कर ली है, ये माहौल तो मिलता नहीं वापस से आप लोग. हाँ ये तो यार आई थिंक यहीं पे हमने सेलिब्रेट कर लिया. आई थिंक इससे बड़ा क्या हो सकता है, आप सब में साथ हो, आप सब साथ हो और हम होली खेल रहे हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है. अनु कपूर की बात की जाए, लाइक एक्सपीरियंस एक्टर अनुपम खेर जी, कितना कुछ सीखने को मिला है यार. बहुत कुछ सीखने को मिला. आई थिंक हर स्टेप में, हर सीन में, हर डायलॉग में इन लोगों ने बहुत बहुत हेल्प करी है. सो आई थिंक हमारे लिए ये बहुत मज़ेदार बात थी. व्हाट अबाउट यू? सेम अगेन, लाइक यू नो देर, आई मीन एक बात मैंने नोटिस किया सबके, आई मीन लाइक अनुपम जी एंड अनु जी के बारे में, दे आर ऑलवेज वेरी क्यूरियसली ऑब्जर्विंग एवरी लिटिल थिंग दैट्स हैपनिंग अराउंड. हर एक इंसान को भी वो बड़े करीब से देखेंगे ताकि इन फ्यूचर दे कैन यूज देम एज अ कैरेक्टर समथिंग लाइक दैट. सो आई थिंक ऑब्जर्वेशन स्किल्स आर सो सो इम्पॉर्टेंट फॉर एन एक्टर विच यू नो. बचपन का कुछ होली का याद है? मैं बहुत गंदी वाली होली खेली थी, यहाँ पे बहुत क्लीन होली थी अभी. आप मनीष? मैं तो यार दिल्ली से हूँ, आई थिंक वो दिल्ली बोलते ही लोगों को समझ आ जाता मैं कैसी होली खेलता था. आई थिंक वहाँ पे बहुत हंगामा होता है होली का, और मैंने भी बहुत बहुत होली खेली, लेकिन अब मैं उतनी होली नहीं खेलता हूँ. अब मैं होली से थोड़ा मतलब डिसेंट प्यार मोहब्बत से रंग लगाओ, सेव वाटर. आई थिंक किसी को हार्म नहीं करो, हर्ट नहीं करो. आई थिंक इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. यार हाय, आई एम मनीष पॉल. आई एम अंजली फर्नेस. और जितने भी हमारे दर्शक हैं इस समय जो हमें देख रहे हैं, सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. विश यू ऑल वेरी हैप्पी होली. थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर. थैंक यू यार, थैंक यू गाइस. गाइस ऑन कर, आता ऑन करना. यहीं से आ जा. स्टार्ट है. ऑडियो नीचे भी आएगा. जी जी हाँ जी जी. हैप्पी होली मिका जी. सबसे पहले आप सभी को विशिंग यू हैप्पी होली. दोबारा सत श्री अकाल दोस्तों, मैं मिका सिंह और मेरी तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और आज जो हम लॉन्च कर रहे हैं, दो गाने लॉन्च हैं जिनमें से मेरा एक फेवरेट ट्रैक था गल्ला गोरियाँ दे विच टोए, जो हरभजन मान ने बहुत साल पहले ये गाना गाया था और तब भी सुपरहिट रहा. और आजकल रीमेक का फैशन चल रहा है, तो बाबा ब्लैकशिप आज म्यूजिक लॉन्च था उसका. आई एम श्योर के जैसे आपको गाने पसंद आएंगे तो मूवी भी आपको पसंद आएगी. सो माई बेस्ट विशेज टू माई यंगर ब्रदर मनीष पॉल और मेरे दो फेवरेट हीरो अनुपम खेर साहब एंड अनु कपूर जी, और पूरी टीम को, डायरेक्टर विश्वास को, हीरोइन मंजरी को बहुत बहुत शुक्रिया. रियली वेरी फन कि गाना भी गाना और उस गाने में एक्ट करना, मनीष और अनुपम. जी जी जी, खैर बहुत मज़ा आया. बिकॉज जहाँ तक एक्टिंग का सवाल है, डेफिनेटली अनुपम खेर जी तो लेजेंड है ही हमारे, और मनीष बहुत ही टैलेंटेड लड़का. और मुझे पता नहीं कितना इतना बिजी रहता है, इतने काम कैसे एक साथ कर लेता है. शोज भी करता है, टीवी होस्ट भी करता है, देन सिंगिंग भी कर रहा है, और अभी एक्टिंग भी कर रहा है. सो हम श्योर से जो फैंस हैं सभी उसको पर्दे पे देखना चाहेंगे और ये फिल्म सुपर हिट जाएगी. तो लाइनअप के गानों का. ऐ में छड़ के ना जा कुड़िए कोल तो मेरे बह जा. एक तो ये गाना है, ओ गल्ला गोरियां हां दे विच टोए ओ असी मर गए नी ओए होए ओए होए दुहाई पै गई नी कुड़ी कढ के काल जा ओ कढ के काल जा लै गई ओ गल्ला गोरियां हां दे विच टोए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. रोल रोशन. रोल रोल. हैप्पी होली फर्स्ट ऑफ ऑल. बिल्कुल, आप सबको वेरी वेरी हैप्पी होली. होली मुबारक. और गाना जो देख रहे हैं काफ़ी अच्छा, इंटरेस्टिंग आपने कंपोज किया है. बहुत ही जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला पब्लिक में, काफ़ी ओवरवेलमिंग था. आपको कितना पसंद आया? बिल्कुल, आज जो गाना लॉन्च हुआ है, इस गाने को गौरव रोशन ने रिक्रिएट किया है, लेकिन हमारे ओरिजिनल गाने हैं जो बहुत जल्द लॉन्च होंगे, रिलीज़ होंगे. एंड फिल्म बहुत कमाल की बनी है. विश्वास ये जैसे कि रोशन गौरव ने पता है वो आई थिंक इससे स्टेप्ड आउट कि आजकल के जो की जो माहौल है, ज़्यादातर एक फिल्म में आप देखेंगे 3-4 कंपोजर्स होते हैं, लेकिन बहुत रेयर होता है कि एक नई टीम है हम एज कंपोजर्स. ऑफकोर्स गौरव ने पहले बहुत ट्रैक इज डन बाय सोल कंपोजर्स, सो दैट्स थैंक्स टू द डायरेक्टर फॉर हैविंग फेथ द मैन हिमसेल्फ. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द रिकॉर्ड लेबल आल्सो. बिल्कुल, सीरीज. यस, दैट्स राइट. थैंक यू. सो
बहुत ही अच्छी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरी पहली फिल्म में. आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मेरे पास इतने अच्छे लोग थे, इतने टैलेंटेड लोग थे. और अनु जी, अनुपम जी, के मेनन, मनीष पॉल, मंजरी फडनिस, मिका पाजी, शान, गौरव, रोशन, सबसे बड़ी बात जैसे अनुपम जी ने कहा कि ये सारे अच्छे लोग हैं. और अब जो म्यूज़िक कंपनी भी जुड़ी है, टी सीरीज़, अगस्त्या फिल्म्स, मेरा प्रोडक्शन हाउस स्वरूप, और इवन सोहम रॉकस्टार जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सारे लोग, जो इतने अच्छे लोग मिले हैं मुझे, आई थिंक आई एम ब्लेस्ड. शायद मैं इतना अच्छा हूँ इसलिए. यानी इसी कारण, क्योंकि स्क्रिप्ट इतनी मज़ेदार थी, हम जब पहली बार पहली सिटिंग में ही सारे, मतलब ऑलमोस्ट एक या दो सिटिंग में ही सारे गाने बनने लगे. और बहुत जल्दी उन्होंने ज़्यादा हमें बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं वैसे करो, नो रियल, ही वॉज वेरी वेरी इजी टू वर्क विद, वेरी इजी टू वर्क विद. एंड ऐसे डायरेक्टर्स सबको मिले तो अच्छे गाने भी बन सकते हैं. और ईच एंड एवरी सॉन्ग इन द एल्बम इज डिफरेंट, दैट्स नॉट, ईच एंड एवरी सॉन्ग इज ऑफ अ डिफरेंट जॉनरा एंड संग बाय सम ग्रेट आर्टिस्ट्स, एंड आप लोग बहुत एंजॉय करोगे. और बिल्कुल, चाहे मिका बाजी हो, सोनू भाई हो, सबको हमें बहुत, महालक्ष्मी, वी हैव टू गिव देम अ लॉट ऑफ थैंक्स के मतलब बिल्कुल, बस क्या गाना है बताओ, गा के चले गए. नो डिस्कशन अबाउट मनी, इज नो डिस्कशन अबाउट रेमुनरेशन. सो सो वी वेरी हैप्पी टू हैव सच वंडरफुल फ्रेंड्स इन दिस. नो लाइंस फ्रॉम दिस फॉर योर सॉन्ग्स. हां, नो लाइन. अब छड़क ना जा कुड़ी को तू मेरे बेजा, पंजाबी में वर्ड्स मुझे नहीं आ जा. हीर 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 तेनू तत्ता रवा ते जू तू जावे मनु चैन आवे, सुन ले दिल की तू सदा. एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, ये गाना आप मिका बाजी की आवाज़ में सुनेंगे. I think it's his first real out and out romantic song, yeah. Sung by the, with along with the beautiful Mahalakshmi, and they're both sounding so ethereal, so romantic. Mujhe lagta hai iske baad thodi bahut agar mujhe umeed thi romantic gaano ka, wo bhi chale jayega, Mika Baji wo bhi gaa jayega. Maine apne hi pair pe kulaadi maar di. Thank you so much and wish you all the best. Thank you, yaar. Thank you so much. Thank everyone. You. Thank you.